हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो गुनगुन, तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम खुद जब टू टाइमिंग करती हो तब सब कुछ ठीक रहता है, दूसरा अगर करे तो उसमें इतना तुमको प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव तुम्हारा पति है। यहाँ बाद बाद में तुम समर को फोन कर रही हो, अभी फिर तुम बोल रही हो मैं जा रही हूँ, मैं समर को फोन करती हूँ, तुम्हारा और मेरे भाई का डिवोर्स कराना पड़ेगा। अरे भाई का डिवोर्स और उसका डिवोर्स तो बात की बात है, तुम यहाँ पे अपने पति को थोड़ा संभालो। यहाँ तो पति को तो संभालती नहीं हूँ, मेरे तो बाल खड़े हो जा रहे हैं तुम्हारे ये सब नौटंकी देख देख के। और यहाँ पे तो मैं ध्रुव से एक चीज बोलूंगी कि तुम उस लड़की से दूर रहो। गुनगुन जैसी भी लड़की हो, पर तुम तो इंसान अच्छे हो, तुम इस लड़की से दूर रहो। ये जब देखो तुमसे चिपकने की एक एक तो वजह खोजती है। अभी बोल रही है शॉपिंग ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसको अच्छे से बोल के गए हैं, समझा के गए हैं कि इस लड़के को अपने वश में करो, पुड़िया कुछ खिलाओ विलाओ अच्छे से, और ये तुमको खिला पिला के अपने वश में ही करने वालों में से है। इसीलिए इस लड़की को अपने पास भिनभिनाने मत दो, ये तो मक्खी की तरह भिनभिनाएगी तुम्हारे पास। और ये तो चाहती है तुम्हारे में गुनगुन में फूंक डाले, इसलिए बार बार तुमको बोल रही है अपनी आंखें खोलो अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। अरे जैसे भी कर रही है, गुनगुन तुम्हारी बीवी है ध्रुव, जो बोलोगे तुम बोलोगे, ये लड़की बीच में क्यों बोलने आएगी? और ये तुमको कौन होती है बोलने वाली, अभी की आई हुई कि तुम्हारी पत्नी को देखो वो चिपकती है समर से, ये करती वो करती है। गुनगुन को तो बोलने वाले हम लोग सभी हैं, और गुनगुन पहले से बहुत बेटरी हुई है, पर इसका ये चीज़ है कि समर को फ़ोन करने में इसको एक सेकंड नहीं लगता है, बस हर बात में समर को ही फ़ोन करती है। गुनगुन से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुमको फ़ोन करना है तो अपने पापा को करो, अपने पापा को बोलो। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? तुम्हारे पापा सीन में ही नहीं आ रहे। और अंकित को तो ना तुम लोग कोई खोज रहे हो, ना अंकित कहाँ गया, तुम लोग को पता भी है फिर भी तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ तो देखो, अंकित के बारे में तो देखो कि अंकित कहाँ है, उसकी बीवी यहाँ पड़ी हुई है, पर तुम लोग खाली समर को ही तुम फोन करती रहती हो। हर बात में समर को फोन करना बंद करो, समर तुम्हारा गार्जियन नहीं है। बस अब देखते हैं क्या होता है आगे, इनकी नौटंकी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, एक ना एक नौटंकी चलता ही रहता है। तो जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सामने आओ।